प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। अभी माहौल कुछ गड़बड़ है लग रहा है कल के वजह से, इसीलिए पूरा सन्नाटा नजर आ रहा है। केले का झाड़, वहाँ पर बच्चे जो है फंसे हुए थे। आने वाले को खुद सोचना चाहिए कि यहाँ मौत है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के खड़ी मशीन डैम के पास, जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर मौजूद है। दरअसल आपको मुमरा शहर का खूबसूरत नज़ारा इस पहाड़ी से दिखाएंगे कि जितना ही बाईपास से लगकर ये मुमरा शहर इस पहाड़ी से खूबसूरत दिखता है, उसके दूसरे ही तरफ ये खदान है, ये उतना ही ख़तरनाक है। दरअसल कल यहीं पर 5 बच्चे जो है फंस गए थे। अक्सर लोग यहाँ पर आया करते हैं, परिवार के साथ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं घूमने टहलने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये पहाड़ी है, केकड़ा पकड़ने के लिए बता रहे थे बच्चे कि वो ऊपर चढ़ गए थे और करीब इस पहाड़ी से 300 फीट जो है ऊपर के करीब में गए थे वो बच्चे, और वहाँ पर जो है वो फंस गए, नीचे नहीं उतर पा रहे थे। जिसके बाद NDRF की टीम आई और वो जो है टीम यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगी। यहाँ से देखेंगे आप, ऊपर की तरफ गई, बच्चों के करीब तक भी पहुँची, लेकिन रेस्क्यू नहीं किया जा सका। जिसके बाद पहलवान शाह बाबा की तरफ से जो है वो यहाँ पर पहुँचे और बच्चों को रेस्क्यू करके सही सलामत जो है नीचे उतारा गया। आज भी देखेंगे कि 2 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आया करते थे, लेकिन आज कोई है नहीं। हो सकता है जल कल का जो मामला हुआ सामने आया, उस वजह से यहाँ कोई नहीं है। और एक बात और, जो डैम था, डैम में ही बच्चे नहाने आते थे, उसके बाद यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, तो आज डैम पर भी जो है प्रशासन की कार्रवाई हुई और वहाँ पर होल करके जो है पानी जो है निकाला जा रहा है। 2 लोग यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? आसिफ। आज यहाँ पर सन्नाटा है? अभी माहौल कुछ गड़बड़ है लग रहा है कल के वजह से, इसीलिए पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है। भीड़ काफ़ी होती थी? हाँ, भीड़ होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी, फिलहाल होती थी भीड़। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे आ गया था मैं भी घूमने के लिए ऊपर, जैसे लोग आते हैं वैसे मैं भी आया आज। तो हर रोज़ यहाँ पर भीड़ होती है, मतलब होती है आने घूमने के लिए? यहाँ पर जो चढ़ते हैं भी ज़्यादातर लोग चढ़ते हैं, उन लोग को थोड़ा डर है, गिर जाए कभी, कुछ भी हो जाए, हादसा। ऐसे लोगों को संभाल के आना चाहिए, आने वाले को खुद सोचना चाहिए कि यहाँ मौत है। पूरा चट्टान है ये, और यहीं से जो है बच्चे ऊपर गए थे। आप एकदम ऊपर देखेंगे केले का झाड़, वहाँ पर बच्चे जो है फंसे हुए थे, लेकिन सही सलामत जो है बच्चों को उतारा गया। रात के समय अंधेरा काफ़ी था, इस वजह से ज़्यादातर लोगों को जो है ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस जगह पर है और बच्चे कहाँ फंसे हैं। ज़्यादातर लोग अंधेरा होने की वजह से लोकेशन नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सी जगह पर है। डैम के बाजू में ही ये काफ़ी बड़ी खदान है, और देखेंगे कि ये काफ़ी जो है चट्टान है, लेकिन फिसलने वाला, एकदम ख़तरनाक है ये। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो बच्चे थे वो जो है सही सलामत उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया गया। और लोगों से भी ये कहेंगे कि आप लोग टहले घूमें, लेकिन इस तरह के जो ख़तरनाक चट्टान है उस पर चढ़ने की कोशिश ना करें, जान का खतरा हो सकता है।